subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, हेमंत एलपी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम वायुमंडल के संगठक के बारे में, संगठन के बारे में, संरचना के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों देखिए, वायुमंडल क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन तो आपसे यही पूछा जाता है कि वायुमंडल क्या है। तो दोस्तों देखिए, वायुमंडल जो है गैसों का समुच्चय, ढेर सारी गैसें जहाँ पर होती हैं उसी को हम वायुमंडल कहते हैं। और आपसे कभी कभी पूछ लेता है कि वायु किसे कहते हैं, एयर किसे कहते हैं। तो वायु भी जो होता है वह गैसों का क्या होता है, मिश्रण होता है। क्या होता है? गैसों का मिश्रण होता है। इसको आप याद रखेंगे कि गैसों के मिश्रण को ही हम क्या कहते हैं, वायु कहते हैं। क्या कहते हैं? वायु कहते हैं। तो वायुमंडल ने आपको बता दिया कि गैसों के समुच्चय को हम वायुमंडल कहते हैं। और आप कह सकते हैं कि पृथ्वी के चारों ओर गैसी आवरण को हम वायुमंडल कहते हैं। और वायुमंडल दाब को मापने वाला यंत्र जो होता है बैरोमीटर होता है। क्या होता है? बैरोमीटर होता है। हमने आपको कई बार बताया है कि वायुमंडल को मापने वाला यंत्र जो होता है वह क्या होता है, बैरोमीटर होता है। अर्थात बैरोमीटर से हम वायुमंडलीय दाब को क्या करते हैं, मापते हैं। इसके अलावा देखिए, दो यहाँ पे और लिख दिया गया है जो इम्पॉर्टेंट है। अगर कभी कभी पूछ लेता है कि थर्मामीटर से हम क्या नापते हैं, तो थर्मामीटर से हम तापमान नापते हैं शरीर का। और एक आ जाता है हाइग्रोमीटर, तो हाइग्रोमीटर से वायुमंडल की आर्द्रता मापते हैं। और एक आ जाता है हाइड्रोमीटर, तो उससे हम वायु घनत्व तो मापते हैं। ठीक है, तो ये है आपका कि गैसों के समुच्चय को हम वायुमंडल कहते हैं। हम पृथ्वी के चारों ओर जो भी गैसीय आवरण है उसी को हम वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडलीय दाब को मापने वाला यंत्र बैरोमीटर है। अब देखिए दोस्तों, वायुमंडल का संगठन क्या है या वायुमंडल का संगठक क्या है? तो वायुमंडल में अमूमन 9 प्रकार की गैसें पाई जाती हैं आपके वायुमंडल में। ठीक है दोस्तों, वायुमंडल में 9 प्रकार की गैसें पाई जाती हैं। और वायु जो होता है वह गैसों का मिश्रण होता है। वायु में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन आदि गैसों के अलावा धूल के कण और जलवाष्प भी पाए जाते हैं। और वायु के संगठन को हम पाई डायाग्राम यानी चार्ट के द्वारा दर्शाते हैं। यहाँ पे नाइट्रोजन की संख्या जो होती है 78 होती है। वायुमंडल में नाइट्रोजन ही सबसे अधिक पाया जाता है, जिसकी मात्रा 78% होती है। अगर कभी एक्चुअल पूछ दिया तो 78.084% होती है। यह गैस जो होता है वह पौधों के लिए आवश्यक होता है, तथा यह गैस आग जलाने में बिल्कुल भी सहायता नहीं करता है। इसके बाद दूसरी सबसे ज़्यादा गैस पाई जाती है ऑक्सीजन, जिसकी मात्रा होती है कितनी, तो उसकी मात्रा होती है 21%। कितनी होती है? 21%। और कहीं कहीं आपको मिलेगा 20.93% या 20.94%। और यही अगर 20.93% मिलता है तो वही 0.93% जो होता है आर्गन होता है। और यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछता है कि एकमात्र अक्रिय गैस जो वायुमंडल में पाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं, तो आर्गन कहते हैं। और ऑक्सीजन जो 21% पाई जाती है, यह गैस सभी जीव जंतु और पेड़ पौधों के लिए बहुत ही आवश्यक है। यह गैस आग को जलाने में या किसी भी चीज़ को जलाने में बहुत ही सहायता करती है। इसके अलावा देखिए दोस्तों, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03 होता है। पॉइंट के बाद एक जीरो, उसके बाद थ्री है, यानी 0.03% होता है कार्बन डाइऑक्साइड। और इसका परसेंटेज बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पेड़ पौधे भोजन बनाने में प्रयोग करते हैं, अर्थात प्रकाश संश्लेषण में सबसे ज़्यादा अगर कोई गैस प्रयोग किया जाता है तो वह होता है कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण ही हमारी पृथ्वी बहुत गर्म होती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड सूर्य के प्रकाश को क्या करती है, अवशोषित करती है। कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता से ही पृथ्वी पर तापमान ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसे हम विश्व तापन या ग्रीन हाउस इफेक्ट भी कहते हैं। और ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में हमने आपको सारी की सारी चीज़ें जो है लगभग प्रदूषण के चैप्टर में बता दिया है। उसके बाद दोस्तों, जलवाष्प की बात करें तो इसी वायु के संगठन में जलवाष्प की मात्रा भी 4% पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 4% पाई जाती है। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी के वायुमंडल में निम्नलिखित में से किस गैस का प्रतिशत अन्य गैसों की तुलना में सबसे अधिक है? तब आप जवाब देंगे नाइट्रोजन। लेकिन कभी कभी आ जाता है कि पृथ्वी के
वायुमंडल के सबसे ऊपरी परत यानी क्रस्ट में किस गैस की मात्रा सबसे अधिक है या किस तत्व की मात्रा सबसे अधिक है, तो आप बताएंगे ऑक्सीजन की मात्रा अधिक है और वह कितना है 46.08% या 46.8% होती है। इसके अलावा दोस्तों देखिए इस वायुमंडल में हाइड्रोजन भी होता है, दशमलव के बाद 40 लिख के उसके बाद 5 करेंगे 93%, और नियान भी होता है, दशमलव लिख के 20 और 182 लिखेंगे 93% होता है। अब अगला टॉपिक आ जाता है वायुमंडल की संरचना। तो दोस्तों देखिए वायुमंडल हमने जान लिया कि गैसों के संगठन को हम वायुमंडल कहते हैं, और वायुमंडल की संरचना का मतलब है कि वायुमंडल को हमने 5 परतों में डिवाइड किया है। वायुमंडल को हमने 5 परतों में डिवाइड किया है क्योंकि वायु जो है अलग अलग जगह अलग अलग वायु की विशेषता होती है। पृथ्वी के चारों तरफ पाई जाने वाली वायु की परत को ही हम वायुमंडल कहते हैं, और वायुमंडल कई परतों में हम विभाजित किए हैं और उन परतें की संख्या जो है 5 है। पहले परत का नाम हमने क्षोभ मंडल रखा है जिसे अंग्रेजी में ट्रोपोस्फीयर कहते हैं। यहाँ पे देखिए 5 परतें हैं जिसमें पहले परत को हम क्या कहते हैं, पहले परत को हम क्षोभ मंडल कहते हैं या ट्रोपोस्फीयर कहते हैं। दूसरे मंडल को हम स्ट्रेटोस्फीयर या संताप मंडल कहते हैं जिसमें ओजोन परत भी पाई जाती है। तीसरे मंडल को हम मेसोस्फीयर या मध्य मंडल कहते हैं, और चौथे परत को हम आयनो मंडल कहते हैं या इसी को कभी कभी थर्मोस्फीयर भी कहते हैं या आयनोस्फीयर कहते हैं, और जो लास्ट परत है उसको हम एक्सोस्फीयर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे सबसे प्रमुख देखिए जो थर्मोस्फीयर जो ट्रोपोस्फीयर है जिसे हम क्षोभ मंडल कहते हैं, तो मौसम संबंधित सारी की सारी घटनाएं कहाँ पे होती हैं, तो क्षोभ मंडल में होती है जिसे हम ट्रोपोस्फीयर कहते हैं। उसके बाद हम जाते हैं स्ट्रेटोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर का मतलब है समताप मंडल। इसमें वायुयान संबंधित जो भी घटनाएं होती हैं, वायुयान जो उड़ता है वह किसमें उड़ता है, समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फीयर में उड़ता है, और इसी स्ट्रेटोस्फीयर में ही पाया जाता है ओजोन लेयर जो हमारी पराबैंगनी किरणों से क्या करती है, रक्षा करती है। उसके बाद आ जाता है मेसोस्फीयर, और मेसोस्फीयर में जो है उल्का संबंधित जितनी भी घटनाएं होती हैं सब की सब मेसोस्फीयर में होती हैं। उसके बाद आ जाता है आयनोस्फीयर, आयनोस्फीयर में संचार संबंधित जितनी भी घटनाएं होती हैं सब आयनोस्फीयर में होता है, और एक्सोस्फीयर में जो है जो भी उपग्रह छोड़े जाते हैं, जो 36,000 किलोमीटर पर भू उपग्रह छोड़ा जाता है वो सब जो है एक्सोस्फीयर में छोड़े जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग बात करते हैं एक एक के बारे में इस तरीके से। देखिए दोस्तों जो क्षोभ मंडल होता है वह ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई 8 किलोमीटर होती है और विषुवत रेखा पे इसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर होती है। तो आप कह सकते हैं कि वायुमंडल का पहला परत जो क्षोभ मंडल है जो ट्रोपोस्फीयर है वह पृथ्वी से 18 किलोमीटर की दूरी तक है। ठीक है, तो इस 18 किलोमीटर की दूरी के अंदर क्या क्या घटनाएं होती हैं, तो सबसे पहली घटनाएं होती हैं मौसमी घटनाएं एवं जलवायु परिवर्तन की घटना क्षोभ मंडल में होती है, जैसे वर्षा, आंधी, तूफान, भूकंप, मेघ बनना, यहाँ तक कि बादल बनना, गर्जना, जलवाष्प का 90% जो भी चीज़ें हैं सब क्षोभ मंडल में ही होती हैं। और आपको हम यहाँ पर बता दें कि क्षोभ मंडल में जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे वैसे वैसे आपका तापमान क्या होगा, कम होगा। आप 165 मीटर ऊपर जाएंगे तो आपका तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाएगा, और यह कम इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे नीचे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है और यह सबसे भारी गैस होती है, इसीलिए यह नीचे होती है और कार्बन डाइऑक्साइड सूर्य के प्रकाश को खींचता है, इसलिए तापमान यहाँ पर अधिक होता है। लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाएंगे, चूँकि कार्बन डाइऑक्साइड भारी गैस होती है नीचे होती है, तो ऊपर के जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होती चली जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जहाँ पे कम रहेगी वहाँ पे तापमान भी क्या रहेगा, कम रहेगा। अर्थात आप ऊपर जाएंगे तो 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड आपका तापमान कम हो जाता है, जबकि 1 किलोमीटर अगर आप ऊपर जाएंगे तो 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड आपका तापमान क्या होगा, कम हो जाएगा। उसके बाद आप जाते हैं तो यहाँ से 8 से 50 ले लीजिए, चाहे कहिए 18 से 50 किलोमीटर, तो 18 से 50 किलोमीटर वाले रेंज को हम समताप मंडल के नाम से जानते हैं। समताप मंडल लगभग 50 किलोमीटर तक की ऊंचाई पे है, तो समताप मंडल का मतलब है समताप यानी स्ट्रेटोस्फीयर, और समताप का मतलब तापमान यहाँ पे क्या होगा,
कांस्टेंट होगा। तापमान अगर कांस्टेंट होगा तो उसी को हम समताप मंडल कहते हैं, और इस पूरे समताप मंडल में ओजोन परत पाया जाता है जो कि पराबैंगनी कीड़ों से हमें बचाता है। और ओजोन परत के मापने की इकाई डाप्सन होती है, और ओजोन दिवस हम 16 सितंबर को मनाते हैं, और ओजोन दिवस ओजोन से संबंधित है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो दोस्तों ये ओजोन परत तो पूरे समताप मंडल में है, लेकिन 15 से लेकर 35 किलोमीटर के बीच में इस ओजोन परत की मोटाई बहुत अधिक है, और मोटाई अधिक है अगर यही जो है औसतन 100 डाप्सन से कम हो जाती है तो उसी को कहते हैं कि ओजोन में क्या हो गया है, छिद्र हो गया। इसके अलावा देखिए जेट वायुयान जो है इसकी उड़ान जो होती है वह कहाँ पे होती है, वह समताप मंडल में होती है, क्योंकि यहाँ पे तापमान क्या होता है, समान होता है, और मौसमी संबंधित घटनाएं भी यहाँ पे नहीं होती हैं, इसलिए जेट वायुयान आराम से यहाँ पे उड़ता है, यहाँ पे कोई भी मौसम संबंधित घटनाएं नहीं होती हैं। तभी आप कहते हैं कि जब क्षोभ मंडल में जो है जहाज़ उतरता है तो आप कहते हैं कि खराब मौसम के कारण फला नेता ने अपनी जो है मीटिंग को या अपने जो है सभा को कैंसिल कर दिया। क्यों? क्योंकि जेट वायुयान वहाँ पे उड़ेगा, वायुयान हवाई जहाज़ वहाँ पे उड़ेगा जहाँ पे मौसम संबंधित घटनाएं होने की संभावना ना रहे। उसके बाद दोस्तों देखिए 50 से लेकर 80 किलोमीटर तक आपका आता है मध्यमंडल। तो मध्यमंडल में आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो आपका तापमान तो बढ़ता है, लेकिन सबसे कम तापमान की बात करें तो -100 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान होता है मध्यमंडल का, जिसे हम इंग्लिश में मेसोस्फीयर कहते हैं। और मेसोस्फीयर में ही उल्का पिंड का जलना, जिसको हम टूटता हुआ तारा कहते हैं, ऐसी घटनाएं जो दिखाई देती हैं वह हमें मध्यमंडल में दिखाई देती हैं। और यहाँ का तापमान पूरे पाँचों परतों में सबसे कम होता है, यहाँ का तापमान पाँचों परतों में सबसे कम होता है। इसके बाद हम जाते हैं 80 किलोमीटर से 640 किलोमीटर तक कह दीजिए, या 80 से आप डायरेक्ट 700 किलोमीटर तक कह दीजिए। तो 80 से 700 किलोमीटर तक होता है आयन मंडल, जिसे हम आयनोस्फीयर कहते हैं, और इसमें रेडियो तरंग यानी बेतार संचार, जैसे उपग्रह टीवी, रेडियो, डिश टीवी, टाटा स्काई जो चलता है संचार के माध्यम, कम्युनिकेशन जैसे रेडियो, टेलीविज़न, रडार, जो रडार होते हैं जो जिसका प्रयोग सेना करती है, मतलब दुश्मनों का पता लगाने के लिए, इन सब का प्रयोग आयन मंडल में किया जाता है। और पृथ्वी पर डिश टीवी का तरंग जो है आयन मंडल में आकर पुनः लौट जाती है, जो तरंग होती है वह आती है और उसके बाद आयन मंडल में पुनः क्या होती है, लौट जाती है। कुल मिला जुला आप कह सकते हैं कि संचार संबंधित जितने भी घटनाएं होती हैं वो आयन मंडल में होती हैं, चाहे वो रेडियो संचार हो, चाहे रेडियो तरंग हो, चाहे टीवी हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे रडार हो, रडार भी जो है संचार संबंधित घटना ही होती है। तो सारी घटनाएं जो है आयन मंडल में होती हैं। अब 640 से ऊपर या 700 से ऊपर कहाँ तक है इसकी कोई जानकारी किसी वैज्ञानिक के पास नहीं है, इसको अनंत माना गया है, उसे आप बहिर्मंडल या एक्सोस्फीयर कहते हैं। इसमें सबसे हल्की गैसें जो होती हैं पाई जाती हैं, जैसे हीलियम हो गया, हाइड्रोजन हो गया, इन सब की यहाँ पे अधिकता होती है। और जो भू एस्थेटिक उपग्रह होते हैं उन्हें यहीं से क्या किया जाता है, 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक क्या किया जाता है, छोड़ा जाता है। तो यहाँ 700 से शुरू है और इससे 36,000 किलोमीटर ऊपर तक भू स्टैटिक उपग्रह को छोड़ा जाएगा। तो यह किस मंडल में छोड़ा जाएगा, बहिर्मंडल में ही छोड़ा जाएगा। इस तरीके से आपको यहाँ पर सारी चीज़ें हमने क्लियर कर दी है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर कुछ बताया भी गया है कि जो क्षोभ मंडल होता है, इस क्षोभ मंडल को संवहन मंडल भी कहते हैं, क्योंकि इस क्षोभ मंडल में नीचे जो होती हैं गर्म हवाएँ होती हैं और ऊपर जो होती हैं वो ठंडी हवाएँ होती हैं। जब हवाएँ गर्म होती हैं तो यह जाती हैं कहाँ पे, ऊपर की तरफ। ऊपर से ठंडी हवाएँ जो होती हैं वह आती हैं कहाँ पे, तो वह आती हैं नीचे की तरफ। और यही प्रक्रिया जो होती है चलती रहती है, इसी प्रक्रिया को हम संवहनी प्रक्रिया कहते हैं। और इसी तापमान वर्षा बढ़ने के कारण, इसी के कारण संवहनी वर्षा भी होती है। वायुमंडल का सबसे निचला परत या पृथ्वी तल से सबसे नज़दीक परत कौन है, तो क्षोभ मंडल है। 165 मीटर ऊंचाई पर जाने पर तापमान 1 डिग्री क्या होता है, घटता है। और मौसम संबंधित सारी की सारी घटनाएं जो होती हैं, वर्षा, तूफान, ये सब की सब इसी में होती है। तो ये सब चीज़ों को यहाँ पे आपको बता दिया गया है कि ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई 8 किलोमीटर होती है, जबकि विषुवत रेखा पर इसकी ऊँचाई 18 किलोमीटर होती है।
और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी जो है बहुत ही भारी भारी गैसें यहाँ पे पाई जाती है। उसके बाद हमने आपको समताप मंडल के बारे में भी बता दिया कि ओजोन परत समताप मंडल में ही पाया जाता है, जेट वायुयान की उड़ान समताप मंडल में ही होती है, समताप मंडल में पराबैंगनी कीड़ों से हमारी रक्षा करने वाला ओजोन परत भी पाया जाता है। दोस्तों इसके बाद हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे नया वर्षा। धन्यवाद।